पटना में वकील के मुंशी की गोली मारकर हत्या। अपराधियों ने फोन कर बुलाया, घर से बाहर कुछ दूर पहुंचते ही मारी गोली। आयुष डॉक्टरों के लिए कई तरह के कोविड केयर कोर्स, कोरोना मरीजों को न सिर्फ औषधियां दे सकेंगे, पोस्ट कोविड का मार्गदर्शन भी करेंगे। अब पंचायत और वार्ड में होगा 15 से 18 वर्ष का वैक्सीनेशन। मुजफ्फरपुर स्वास्थ्य विभाग ने तैयार किया मास्टर प्लान, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक लगेगा टीका। अस्पतालों का हाल जानने के बजाय सैलून पहुंचे तेज प्रताप, कहा फ्री में काटिए गरीबों के बाल। दाढ़ी कटाने आए और राधा कृष्ण अगरबत्ती भी खरीदे। मुजफ्फरपुर में इंटर परीक्षा के लिए कम पड़ रहे बेंच डेस्क, 5,700 परीक्षार्थियों के लिए दोगुने बेंच डेस्क की जरूरत, बोर्ड ने की समीक्षा। मैट्रिक परीक्षा में बेटों की तुलना में बेटियां आगे, सीतामढ़ी में बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में बढ़ी छात्राओं की संख्या, डीपीओ ने कहा ये अच्छे संकेत। छात्रा से अश्लील बात करने पर शिक्षक की धुनाई, मुजफ्फरपुर में ग्रामीणों ने शिक्षक को पीटा, कड़ी मशक्कत के बाद थाने ले गई पुलिस। पटना में बेटी होने पर पत्नी को मार डाला, बेटी के जन्म के 48 घंटे बाद ही पत्नी का गला घोंट दिया, नवजात को लाश के पास छोड़कर फरार। मुजफ्फरपुर में 10 लाख रुपए की शराब बरामद, दिव्यांग निकला शराब का तस्कर, पुलिस ने दबोचा, छापेमारी के दौरान टीम के साथ धक्का मुक्की। मुजफ्फरपुर में हेडमास्टरों से 24 घंटे के अंदर मांगा शो कॉज, कॉपी जांच को लेकर प्रारंभिक शिक्षकों का नाम भेजा गया, मांगा गया स्पष्टीकरण। सिवान में सड़क हादसे में युवक की मौत, तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को रौंदा, अस्पताल जाने के दौरान तोड़ा दम। 750 उपभोक्ता के ऊपर 80 लाख का बिजली बिल बकाया, पूर्णिया में बिजली विभाग के धावे दल ने की छापेमारी, कई बाकेदारों को दी नोटिस। 750 उपभोक्ता के ऊपर 80 लाख का बिजली बिल बकाया, पूर्णिया में बिजली विभाग के धावे दल ने की छापेमारी, कई बाकेदारों को दी नोटिस। मोतिहारी में बदमाशों ने युवक को मारी गोली, घर जाने के दौरान अज्ञात अपराधियों ने की फायरिंग, पैर और जांघ में लगी गोली। कुख्यात रवि पेशन के ठिकाने खंगालने में 9 टीम जुटी, साख बचाने में जुटी पटना पुलिस, एसएस जूलियर्स डकैती कांड में बनी स्पेशल टीम,